तीन जादुई सीढ़िया और तीन शेर की कहानी। एक बार की बात है, जंगल का राजा शेर और शेरनी जंगल में घूम रहे थे कि तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये तो किसी बच्चे के रोने की आवाज लग रही है, लगता है कोई बच्चा मुसीबत में है। शेरनी, तुम यही रुको, मैं आगे जाकर देखता हूँ। ये कहकर शेर आगे जाता है कि तभी उसे झाड़ियों में एक सफेद शेर का बच्चा फंसा हुआ नजर आता है। बच्चा शेर को देखकर और भी घबरा जाता है। बेटा घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी यहाँ से निकालता हूँ। ये कहकर शेर उस बच्चे को झाड़ी से बाहर निकालता है। अरे बेटा, कौन हो तुम? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? तुम तो इस जंगल के नहीं हो, फिर यहाँ इस झाड़ी में कैसे फंस गए तुम? मेरा नाम सिम्बा है, मैं पास के जंगल में रहता हूँ। हमारे जंगल में शिकारी आए थे, वो मेरे माता पिता को ले गए, वो मुझे भी पकड़ने वाले थे। मैं तो डर के मारे यहाँ भाग निकला और इन झाड़ियों में आकर फंस गया। मैं अनाथ हो गया, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यूं वो बच्चा रो रहा था। बेटा रो मत, आज से तुम अनाथ नहीं हो, हम तुम्हारे माता पिता है। हाँ, सही कहा आपने सिम्बा, हम तुम्हें कभी कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। शेरनी गर्भवती थी। शेर और शेरनी सिम्बा को अपने साथ ले जाते हैं, उसकी देखभाल करने लगते हैं। कुछ दिन बाद शेरनी दो प्यारे से बच्चों को जन्म देती है। शेर उन्हें रुद्र और वीरू कहकर बुलाता है। वक्त के साथ साथ बच्चे बड़े हो गए। रुद्र और वीरू सिम्बा के साथ सौतेला बर्ताव करने लगे। वो बात बात पर ताने मारते थे। एक दिन रुद्र और वीरू लोमड़ी के बच्चे को तंग कर रहे थे। ये देख सिम्बा कहता है, तुम दोनों क्यों उस मासूम बच्चे को तंग कर रहे हो? वो बहुत डर गया है, उसे छोड़ दो। अरे ओ अनाथ, तेरी यह मजाल की तू हमें नसीहत दे रहा है? तू जानता भी है कि हम इस जंगल के राजा शेर के बेटे हैं, हम जो चाहे वो करेंगे। अरे रुद्र, यह अनाथ पिताजी और इन जानवरों के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, नौटंकी कहेगा। यूं वो बोल ही रहे थे कि तभी वहाँ बाज आता है और वो कहता है, अरे तुम तीनों यहाँ हो, जल्दी से चलो, महाराज की तबीयत खराब हो गई है, शेरनी ने तुम्हें जल्द से जल्द बुलाया है। ये सुनकर तीनों शेरनी के पास जाते हैं। शेर की तबीयत बहुत खराब थी, भालू वैद्य शेर का इलाज कर रहा था। भालू अपनी सारी कोशिश कर लेता है, फिर भी शेर की हालत में कोई सुधार नहीं आता। अरे भालू, महाराज को क्या हो गया है, इनकी तबीयत तो और भी बिगड़ती जा रही है। हाँ शेरनी, मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली पर कोई फायदा नहीं रहा। अब इन्हें बचाने का बस एक ही रास्ता है, जादुई सीढ़ी पर लगा आम, जिसे पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसमें जान भी जा सकती है। भालू, तुम उसकी चिंता ना करो, मेरे दोनों बेटे वीरू और रुद्र अपने पिता की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, बस तुम जल्दी से वो रास्ता बता दो। जंगल की पूर्वी दिशा में एक काली पहाड़ी है, उस पहाड़ी के पीछे तीन जादुई सीढ़ियां है, उन तीनों सीढ़ियों में से एक सीढ़ी पर वो जादुई आम मिलेगा। अगर वो आम लाकर महाराज को खिला दिया जाए तो उनकी जान बच सकती है, पर हाँ, वहाँ जाना मतलब मौत के मुंह में जाने के बराबर है। शेरनी रुद्र और वीरू की ओर देखते हुए कहती है, बच्चों जाओ जल्दी से जाकर वो आम लेकर आओ। माँ, लगता है तुम पागल हो गए हो, सुना नहीं भालू ने क्या कहा, वहाँ जाना मतलब मौत के मुंह में जाने के बराबर है। मुझे इतनी जल्दी मरने का कोई शौक नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ रुद्र सही कह रहा है, वैसे पिताजी की उम्र हो गई है, अब वो जीकर भी क्या करेंगे, उनके लिए हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। ये सुनकर शेरनी एकदम से चौंक जाती है। तब सिम्बा कहता है, माँ तुम चिंता ना करो, मैं जाऊंगा वहाँ। हाँ ये सही है, वैसे भी तुम अनाथ हो, तुम जियो या मरो इससे किसी को क्या ही फर्क पड़ता है।
सिम्बा बिना कुछ कहे वहां से निकल ही रहा था कि भालू कहता है, सिम्बा मेरी एक बात याद रखना, सूर्यास्त से पहले तुम्हें उस सीढ़ी पर से वापस आना होगा। अगर देर हो गई तो तुम हमेशा हमेशा के लिए उस रहस्यमय दुनिया में खो जाओगे। सिम्बा वहां से निकलता है। काफी दूर चलने के बाद सिम्बा को वो काली पहाड़ी नजर आती है। सिम्बा भागते हुए उस पहाड़ी के पीछे जाता है जहाँ तीन जादुई सीढ़ियाँ नजर आती है। ये देख सिम्बा खुश भी होता है और साथ ही साथ परेशान भी, क्योंकि तीनों सीढ़ियाँ बिल्कुल एक जैसी थी। अरे ये तीन सीढ़ियाँ तो बिल्कुल एक जैसी है, अब मैं कौन सी सीढ़ी पर जाऊँ? यू सिम्बा सोच ही रहा था कि वहाँ एक सुनहरा बाघ प्रकट होता है और वो सिम्बा से कहता है, सिम्बा तुम्हारा इस जादुई सीढ़ी पर स्वागत है, आओ मैं तुम्हें सबसे ताकतवर और हिम्मत वाला शेर बनाऊंगा जिससे तुम सारे जंगलों पर राज कर सकोगी। सिम्बा कुछ कहने वाला था कि वहाँ एक बाघिन घायल हालत में भागती हुई मदद के लिए चिल्लाते हुए आती है, कोई है मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। ये देख सिम्बा कहता है, अरे बाघिन क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? बेटा मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसने दो दिन से कुछ नहीं खाया है, बड़ी मुश्किल से भोजन हाथ लगा तो शिकारी पीछे पड़ गए, मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ आ गई, मेरी मदद करो बेटा। बाघिन की हालत देख सिम्बा को अपना बचपन याद आता है। तब वो अपने मन में सोचता है, जब शिकारी माँ को ले जा रहे थे तो वो भी ऐसे ही परेशान हो गई थी, तब माँ की मदद करने वाला भी कोई नहीं था, लेकिन अब मैं इस बाघिन की मदद करूंगा, इसे इसके बच्चे के पास पहुंचा दूंगा। ये सोचकर सिम्बा बाघिन के करीब जा ही रहा था कि बाघ कहता है, सिम्बा रुको, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। सिम्बा बाघ की एक नहीं सुनता है और वो बाघिन की ओर बढ़ता है कि अचानक से बाघिन गायब हो जाती है और साथ ही साथ दो जादुई सीढ़ियां भी गायब हो जाती है। ये देख सिम्बा चौंक जाता है। तब सुनहरा बाघ कहता है, सिम्बा तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है, तुम्हारे पिता मुसीबत में है फिर भी तुम बाघिन की मदद करने के लिए तैयार हो गए, तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरे, ये लो सुनहरा आम, इससे तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इतना ही नहीं, रुद्र और वीरू भी तुम्हें बड़े भाई का प्यार देंगे, तुम तीनों सगे भाइयों की तरह मिलजुल कर इस जंगल पर राज करोगी। सिम्बा सुनहरे बाघ का धन्यवाद करता है और आम लेकर शेर को खिलाता है। आम खाते ही शेर एकदम से ठीक हो जाता है। वीरू और रुद्र सिम्बा से माफी मांगते हैं, उसके साथ अच्छे से पेश आते हैं। वो तीनों सगे भाइयों की तरह खुशी खुशी जंगल पर राज करने लगते हैं। अनाथ सफेद शेर का बच्चा बना जंगल का राजा, बाघिन माने की रक्षा। सिम्बा शेर का छोटा सा बच्चा रोते हुए नदी किनारे आता है, माँ तो पहले ही छोड़कर चली गई और अब आप भी चले गए पिताजी, मैं आपको कहाँ ढूंढूं, क्या अब हमारी मुलाकात कभी नहीं हो पाएगी? सिम्बा रोते रहता है कि तभी उसकी नजर एक बाघ के छोटे से बच्चे पर पड़ती है, वो बेहोश पड़ा हुआ था। सिम्बा उसके पास जाता है, उठो उठ भी जाओ, क्या हुआ तुम्हें? सिम्बा उसे बार बार उठाता है पर वो उठता ही नहीं। तब सिम्बा उस पर पानी छिड़कता है और उसे जगाता है। मैं कहाँ आ गया, ये कौन सी जगह है? मैं सिम्बा हूँ और तुम मेरे जंगल में हो। मेरा नाम वीरू है, मैं नदी में गिर गया था और बहते हुए यहाँ तक आ गया, मैं मेरी माँ से बिछड़ गया, माँ माँ। वीरू रोने लगता है। तब सिम्बा कहता है, मेरी भी माँ नहीं है और अब तो पिताजी को भी शिकारी उठा लेकर गए, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से जरूर मिलाऊंगा। क्या सच में? पर हम माँ को कहाँ ढूंढेंगे, मुझे तो मेरे जंगल जाने का रास्ता भी नहीं पता। अरे चिंता मत करो, हम पूरे विश्वास के साथ माँ को ढूंढेंगे ना तो माँ जरूर मिल जाएगी, वैसे तुम्हारी माँ तुम्हें भी तो ढूंढ रही होगी ना, चलो चलते हैं। वो दोनों आपस में बातें करते हुए सामने जा रहे थे कि तभी रास्ते में दूर
सिम्बा को बगीरा दिखाई देता है जो जानवरों से गुस्से से बात कर रहा था। आखिर उस शेर का बच्चा कहाँ चला गया? तुम सब अगर कुछ छुपा रहे हो तो बहुत बुरा होगा। नहीं बगीरा, हमें सिम्बा के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो तुम सब पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, पर आज तुम सबको छोड़ रहा हूँ। शेर से तो पीछा छूट गया, अब ये सिम्बा हाथ लग जाए तो उसे जान से मारकर इस जंगल का राजा मैं बन जाऊंगा। ये सुनकर सिम्बा और वीरू छुप जाते हैं। बगीरा के मुंह से सच्चाई सुनकर सिम्बा तो रोने लगता है। तभी वहाँ एक बड़ा सांप आता है जिसे देखकर वीरू घबरा कर चिल्लाने ही वाला था कि सिम्बा कहता है, वीरू चिल्लाओ मत, नहीं तो बगीरा को खबर लग जाएगी। मेरे साथ साथ वो तुम्हें भी मार देगा। ये सांप कुछ नहीं करेगा, मैं अभी भगाता हूँ इसे। सिम्बा सांप को भगा देता है। सिम्बा, इस परिस्थिति में भी तुम कितने निडर हो। ये बगीरा तुम्हारा दुश्मन है, हमें अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा। थोड़ी देर बाद बगीरा वहाँ से चला जाता है। तब सिम्बा और वीरू भी छुपते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत देर चलने के बाद वो एक नए इलाके में पहुँच जाते हैं। चलते चलते वो थक गए थे, इसीलिए आराम करने वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पर तभी उन्हें बंदरों के चिल्लाने का आवाज़ आता है। सिम्बा और वीरू उस आवाज़ की ओर बढ़ते हैं। अरे, ये तो बंदरों के छोटे छोटे बच्चे हैं और ये लकड़बग्गे इन्हें मारने वाले हैं। लकड़बग्गों का एक झुंड बंदरों के बच्चों को घेरा हुआ था, इसीलिए तो बच्चे चिल्ला रहे थे। वीरू, अब हम बच्चों को कैसे बचाएंगे? अरे सिम्बा, हम भी तो छोटे हैं, हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं? अरे तुम तो बड़े डरपोक हो वीरू, चलो मेरे साथ। सिम्बा और वीरू लकड़बग्गों के सामने आते हैं। लकड़बग्गो, छोड़ दो बच्चों को, नहीं तो। तब लकड़बग्गे हंसने लगते हैं। अरे तू खुद की जान नहीं बचा सकता और इन बच्चों की जान बचाने आ गया। लकड़बग्गे अब बंदरों के बच्चों को छोड़ सिम्बा और वीरू को घेर लेते हैं। उसी वक्त वो बच्चे वहां से भाग जाते हैं। लकड़बग्गे सिम्बा और वीरू पर हमला करने ही वाले थे कि तभी वहाँ भाभी दहाड़ मारते हुए आती है। सिम्बा, सिम्बा, मेरी माँ आ गई, ये रही मेरी माँ। माँ ने हमें ढूंढ लिया, अब इन लकड़बग्गों की खैर नहीं। बाघिन लकड़बग्गों पर टूट पड़ती है और उन्हें मार मार कर भगा देती है। बाघिन वीरू को गले लगा कर कहती है, वीरू बेटा तुम ठीक तो हो ना, कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें? और बेटा ये कौन है? माँ मैं ठीक हूँ, ये सिम्बा है, इसी ने मुझे संभाला है माँ। लेकिन माँ ये अनाथ है, इसका कोई नहीं। ऐसा नहीं कहते वीरू, तुम हो ना, तुम मिलने आते रहना इसको। नहीं माँ, हम सिम्बा को यहाँ छोड़ नहीं सकते, ये यहाँ रहा तो मारा जाएगा बगीरा के हाथों। वीरू सारी बात बाघिन को बता देता है। बाघिन सिम्बा को गले लगाती है। सिम्बा घबराओ मत, जैसे वीरू मेरे लिए है वैसे ही तुम, आज से मैं तुम्हारी माँ बनकर तुम्हारी रक्षा करूँगी। तुम्हें इतना काबिल बनाऊंगी कि तुम उस बगीरा से अपना बदला ले सको। बाघिन वीरू और सिम्बा को अपने साथ अपने जंगल ले जाती है। वो उन दोनों का अच्छे से पालन पोषण करके उन्हें बड़ा करती है। सिम्बा और वीरू अब नौजवान शेर और बाघ बन जाते हैं। एक दिन सिम्बा अपने जंगल जाने की बात बाघिन से कहता है। माँ, अब मैं अपने जंगल जाना चाहता हूँ, क्या आप दोनों भी मेरे साथ चलोगे? हाँ बेटा, मैं भी तो तुम्हें बगीरा के साथ लड़ते हुए देखना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ कि मेरी परवरिश में कोई कमी तो नहीं रही। इस तरह से सिम्बा, वीरू और बाघिन एक साथ अपने जंगल आते हैं। सिम्बा बगीरा को देखते ही उसे ललकारता है और उससे लड़ाई करके उसे जान से मार देता है। बगीरा के मरने के बाद सिम्बा जंगल का राजा बन जाता है, तो वीरू उसका खास मंत्री।